कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप एकदम हेल्दी और फिट होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों में से एक केदारनाथ के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी केदारनाथ जाने का प्लान है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपकी केदारनाथ की यात्रा आसान हो जाए। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा भारत की सबसे पवित्र धार्मिक यात्रा में से एक है। केदारनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों भक्त जाते हैं। कई लोग मंदिर दर्शन के साथ यहाँ घूमने फिरने भी पहुँचते हैं। दोस्तों, लोग जब केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो सिर्फ मंदिर दर्शन करके वापस आ जाते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास ऐसी कई अद्भुत जगह मौजूद हैं जहाँ घूमने के बाद एक अलग ही आनंद मिलता है। वो जगह क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, केदारनाथ के आसपास मौजूद किसी बेहतरीन जगह की बात होती है तो सबसे पहले वास्तु की लाल की बात होती है। इस खूबसूरत ताल की हिंदू पौराणिक कथा भी काफ़ी फेमस है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के अवसर पर इसी झील में स्नान किया था, इसलिए इस झील को वासुकी के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत के बीच में मौजूद इस झील का अद्भुत नज़ारा है। आपको बता दें कि ये केदारनाथ मंदिर से लगभग 8 किमी की दूरी पर है और यहाँ ट्रेकिंग करके आसानी से पहुँचा जा सकता है। चलिए कुछ और खास बात आपको यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं दोस्तों, वासुकी ताल के साथ ही केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मौजूद भैरवनाथ मंदिर भी एक पवित्र और फेमस जगह है। केदारनाथ मंदिर के बाद भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक माना जाता है। पहाड़ की चोटी पर मौजूद होने की वजह से ये टूरिस्ट के बीच भी काफ़ी फेमस है। इस पवित्र मंदिर तक ट्रेकिंग करके आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेकिंग के दौरान एक से एक अद्भुत नज़ारों को देख सकते हैं, साथ ही ट्रेकिंग में फोटोग्राफी भी बहुत हद तक अट्रैक्टिव बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों, केदारनाथ के आसपास घूमने के लिए गौरीकुंड भी एक फेमस जगह है। मंदाकिनी नदी के तट पर बना गौरीकुंड आध्यात्मिकता और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। गौरीकुंड को लेकर माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए वर्षों तक गौरीकुंड में ही कठोर तप किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये केदारनाथ मंदिर से लगभग 9 किमी की दूरी पर है। यहाँ ट्रेकिंग करते हुए आसानी से पहुँच सकते हैं। वहीं ट्रेकिंग के दौरान खूबसूरत नज़ारों से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। और खूबसूरत नज़ारे किसको पसंद नहीं है, है ना दोस्तों? अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत जगह की। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 4000 से भी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर मौजूद चंद्रशिला गांव केदारनाथ के आसपास घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। हसीन पहाड़ों, देवदार के पेड़ और सुहावने मौसम इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। चंद्रशिला गांव खूबसूरती के साथ साथ ट्रेकिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। चंद्रशिला और चोपटा के बीच लगभग 4-5 किमी का ट्रैक है। ट्रैकिंग के दौरान हिमालय, श्रीलंका और नंदा देवी, त्रिशूल, केदार चोटी और चोखंबा चोटियों के हजारों नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों, इन 4 जगहों के अलावा केदारनाथ के आसपास ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य समाधि, त्रियुगी नारायण मंदिर, चोराबाड़ी झील और रुद्रनाथ मंदिर जैसी जगह को एक आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ही केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसी तरह की टिप्स और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।